आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान से यह है कि कब तक हमारी लाशों पे आप अपने महल तामीर करोगे। जो भी मरे इंसान मरता है, इंसानियत मरती है। और शुजात बुखारी एक कश्मीर का कत्ल है, कश्मीरियों का कत्ल है। और हम सिर्फ आज अपनों से भी कहना चाहेंगे कि वो खुल के यूनाइटेड जहाद काउंसिल इस बात की वजाहत करे कि असल मामला क्या है। और अगर उन्होंने नहीं किया है तो उन्हें टंके की चोट पर कहना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। और सिर्फ अगर हर एक इस कत्ल की मजम्मत करता है, फिर मारा किसने। और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए भी आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो आज इस वक्त आपने देखा जिस तरह यहाँ हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार थे। अगर ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं, अगर आप मिलिटेंटों को मूर्ति इल्ज़ाम ठहराते हैं तो लाल चौक में कैसे घुसे मिलिटेंट, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और हर जिस तरह से हर बार कातिल नामालूम कह के भाग जाता है, पर्दे के पीछे छुप जाता है। और इस मसले का एक ही हल है कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हमेशा हमेशा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वो टाइमिंग जो इस कत्ल की थी, आपको मालूम होगा कि कल जिस तरह यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट जो आ गई, जिसमें हिंदुस्तान को अच्छी तरह से मतलब आईना दिखाया गया है, और खुद मीडिया के लोग, सहाफ़ी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग उंगलियां चारों तरफ उठ रही हैं, तो सबों को चाहिए कि वो अपना अपना स्टैंड वाज़ह करें। जी सर, जैसा कि